हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। हम सेकंड चैप्टर देखेंगे साइंस का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके परीक्षा अध्ययन में जितने भी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। तो ये हमें पता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट होता है, रेड टू ब्लू होता है और ब्लू टू रेड होता है जब, तो कब हमारा एसिड होता है, कब हमारा बेस होता है, ये हमें देखना है। तो जब हमारा रेड से कन्वर्ट, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में, तो हमारा जब रेड लिटमस ब्लू में होता है तो वो हमारा बेसिक मीडियम में होता है और ब्लू टू रेड हमारा एसिड में होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये हमारा, इसका पीएच बेस में बेस होता है, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए, 7 से ऊपर होगा तभी वो बेस कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक। बेसिक में 7 से ऊपर होना चाहिए, तो 10 ही हमारा ऊपर है, बाकी 1, 5 और 4 तो हमारा एसिडिक में आएंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन हमारा, एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड्स इज, कौन सा एलिमेंट कॉमन रहता है सभी एसिड में। तो बेसिक में हमारा OH रहता है और एसिडिक में हमारा H रहता है, H मतलब हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। देन थर्ड वाला है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग ऑफ अ हनी बी, कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है हनी बी की स्ट्रिंग में। तो ये हमें याद होनी चाहिए, टेबल जो हमारी बुक में दी हुई है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, मेथेनोइक एसिड, हनी बी की स्टिंग में मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज, जो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, कि सबसे पहले क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो होते हैं ऐसे इंडिकेटर जिनकी स्मेल से हम आइडिया लगा सकें कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एग्जांपल में हमें दे रखा है टर्मरिक, सोप, क्लोव एंड रोज पेटल्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्लोव यानी लौंग, ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इस, जब एसिड और बेस को हम डिसोल्यूशन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वायलेंट, नन ऑफ दिस। इसमें क्या होगा, हीट हमारी रिलीज होगी जब हम दोनों को मिलाएंगे, तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है हमारी, एक्सोथर्मिक। 6th वाला क्वेश्चन हमारा, एन इंडिकेटर इज विथ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, जो हमारा इंडिकेटर रहता है वो कौन से टाइप का कंपाउंड रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड और वीक बेस और एसिड। तो हमारा क्या रहता है, जो इंडिकेटर होता है वो वीक बेस और एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग ना ही एसिड होता है ना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, ठीक है। देन हमारा 7th क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टमेटो, टमेटो में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये हमने टेबल पढ़ी थी, कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 8th थे हमारा, HCl एसिड रिएक्ट विथ NOH टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हम देखते हैं एक बार करके, HCl जो है हमारा, HCl एसिड रिएक्ट विथ NOH टू फॉर्म काय का करता है, NaCl एंड H2O। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन 9th क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन, जब एक सॉल्यूशन रिएक्ट करता है क्रस्ट एग यानी कि चूरे हुए अंडे के शेल्स से, तो हमें देता है गैस दैट जो टर्न होता है लाइम वाटर, डेट्स टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो वो सॉल्यूशन को क्या चीज़ कंटेन करेगा जिसके कारण जो लाइम वाटर मिल्की रहेगा, तो वो क्या होगा, HCl होगा हमारा, ठीक है, ये याद रखना है, HCl होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन, डाइजेशन में मतलब डाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हमारा कौन सा टाइप की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें, जब हमारे स्टमक में एसिड होता है तो हम डाइजेशन के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एंटा एसिड। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं।
अब हम फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिट्रिक एसिड। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम क्या है ये याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट ये याद रखना इसका केमिकल नेम। देन थर्ड क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा बेकिंग सोडा का पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब हम इसका केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम इसे लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एग शेल इज मेड अप ऑफ। जो हमारे एग शेल होते हैं किस चीज़ से बनते हैं? तो हमारे किस चीज़ से बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। याद रखना हमें कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं एग शेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा इफ़ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7 द सॉल्यूशन विल बी। अगर लेस देन 7 होगा तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, अगर एग्जैक्ट 7 होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और ग्रेटर देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, मिक अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम। मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली डैश रिएक्शन। जब एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। ये हमने अभी पहले भी ऊपर भी देखा है ये क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा टूथ एनिमल कॉरड्स इफ द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन। ये हमें याद रखना होगा कि टूथ एनिमल कॉरड्स का पीएच क्या होगा, माउथ में कितना होना चाहिए? 5.5 से लेस होना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच कितना होगा? अभी बताया मैंने अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच होगा 7, और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक। अब 9th वाला है लिटमस इज अ डैश इंडिकेटर। ये किस तरह का इंडिकेटर होता है? ये हमारा कैसा होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेचुरल इंडिकेटर। अभी ये देखा हमने डैश चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू लिटमस टू रेड चेंज होगा तो हमारा एसिड होगा। अभी हमने मल्टीपल चॉइस में क्या था? रेड टू ब्लू था, तो आंसर क्या आया था? बेसिक। अब ब्लू लिटमस किस में चेंज हो रहा है? रेड में, तो आंसर क्या आएगा? ब्लू लिटमस चेंज किस में हो रहा है? रेड में, तो आएगा एसिड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 है डैश एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये हमें पता होना चाहिए, हमने टेबल देखी है। विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का डिस्टिल्ड वाटर्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता? सही है, डिस्टिल्ड वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकंड है हमारा एसिडिटी इज कर्ड बाय एनग्लिसिक। ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो फॉल्स है, क्योंकि एसिडिटी जो होगी किसके कारण? एनग्लिसिक के कारण नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। देन थर्ड क्वेश्चन है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 14। हाँ, पीएच का जो रेंज होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 0 से 14 होता है। कि अगर 0 से less than 7 तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से 14 है ग्रेटर देन 7 से 14 है तो वो हमारा बेसिक होगा। तो पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 to 14। तो ये हमारा ट्रू है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा HCl इज़ अ वीक एसिड। नहीं, HCl तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। देन फिफ्थ है NOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस।
हाँ एनओएच जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये हमारा ट्रू है। सिक्स क्या है हमारा, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अगर हमारा जो रेन वाटर है उसका पीएच लेस देन 5.6 होगा तो वो क्या एसिडिक रेन होगा। हाँ जितना 5.6 से लेस होगा, जितना हम इधर लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाते हैं उतना जो एसिडिक मीडियम है वो बढ़ता जाता है, तो अगर 5.6 से लेस होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक रेन होगी, तो उसको हम एसिडिक रेन बोलेंगे, ट्रू है ये। देन सेवन्थ है हमारा, रिएक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स पीएच वैल्यू। रिएक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशन की वो डिटरमाइंड किसके द्वारा होती है, पीएच वैल्यू के थ्रू होती है क्या? नहीं, रिएक्टिविटी पीएच वैल्यू के थ्रू डिटरमाइन नहीं होती है, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। अब आता है हमारा एट्थ क्वेश्चन, टर्मरिक टर्न्स डार्क ब्राउन इन अ कलर इन बेसिक मीडियम। जो टर्मरिक है वो कैसा कलर हो जाता है, डार्क ब्राउन, अगर हम उसको बेसिक मीडियम में करते हैं। हाँ टर्मरिक अगर हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन, तो ये हमारा ट्रू है। ये हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम मेजदा कॉलम देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, इसी तरह के और भी चैप्टर्स के हमने कंटिन्यू अध्ययन बोध के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं हमारे ऐप पे एडिस्टेट ऐप पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से आगे के चैप्टर्स भी कर सकते हैं। अब हम मेजदा कॉलम देखेंगे। फर्स्ट मेजदा कॉलम है हमारी विनेगर, इसका आंसर क्या होगा हमारा एसिटिक एसिड, क्योंकि विनेगर क्या है हमारा एसिटिक एसिड। देन सेकेंड है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थर्ड है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर हमारा कौन सा रहता है, पी ओ पी रहता है हमारा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमारा वो होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, देन फूड बेकिंग सोडा मिलाया जाता है उसमें। फिफ्थ है, फिफ्थ क्या क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है वो परमानेंट हार्डनेस रहती है, ये जो भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हार्डनेस, वाटर हार्डनेस के बारे में, जहाँ पे आपको सोडियम जो कार्बोनेट है वो अगर हमारे वाटर में है तो ये हमारा क्या परमानेंट हार्डनेस रहती है, उससे वाटर हार्ड रहता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आप पढ़ेंगे आगे, हार्ड वाटर में जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अब कभी कभी ऐसा होता है ना हम पानी पी लेते हैं और हमारा मतलब बहुत भारी भारी लगता है पेट, बहुत डाइजेस्ट सिस्टम भी हमारा सही नहीं चलता, तो वो किसके थ्रू होता है, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर बहुत होता है, वो किसके कारण होता है हार्ड वाटर, मैग्नीशियम सॉल्ट और सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम सॉल्ट के कारण, अगर वाटर में ये सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो कौन सा है, हार्ड वाटर है, और लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो क्या है, परमानेंट हार्डनेस रहेगा। देन सिक्स्थ है हमारा फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है NaCl होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा वो हमें पता है, हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखा HCl जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देन एट्थ है हमारा मार्बल, तो मार्बल अभी हमने शायद आगे देखा था ट्रू फॉल्स वगैरह में, मार्बल जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, तो हमारा इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम वन वर्ड देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड का, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो ये अभी देखा था हमने, अगर वाटर की पीएच वैल्यू होती है तो वो होती है सेवन, अगर सेवन से आई है तो बेसिक, सेवन से ले ऐसे तो एसिडिक, तो अगर प्योर वाटर की पीएच वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होती है, सेवन। फिर सेकंड क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक, स्टमक में हमारा कौन सा एसिड होता है, प्रोड्यूस होता है HCl, ठीक है ये याद रखना, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है HCl। देन थर्ड क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन नेटल लीव्स, लीव्स में हमारा नेटल लीव्स में कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड ही हमारा प्रेजेंट रहता है स्टिंग में भी और नेटल लीव्स में भी, कुछ चीज़ें याद करने की होती है आप इन्हें ध्यान रखिएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट उसका नाम होता है, उसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2, ये याद रखिएगा आप, ये पूछा जाता है मोस्टली, ये कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन,
देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन कॉलर एक्ली प्रोसेस, एल्कली प्रोसेस, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन क्लोर एक्ली प्रोसेस में, क्लोरीन यानी क्लोर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है एंड हाइड्रोजन, ये हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्रीन, जो हमारा ब्रीन है वो क्या है, ब्रीन जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो वो ब्रीन कहलाती है। देन सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अगर प्रेजेंट है यूनिट, सेम यूनिट ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 8 थे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस ऑन अ स्मेल ऑफ एन ऑनियन, हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर होता है सबसे पहले तो ऑनियन की, अगर अब स्मेल की बात हो रही है तो स्मेल ऑफ अ ऑनियन रिमेन्स सच एज अ प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इट डिमिनिश्ड और फेड्स अवे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये जो ऑनियन है वो किसकी प्रेजेंस बताता है हमें, एसिड की, और थोड़ी सी ये बेस से बहुत दूर रहती है, इसकी स्मेल से हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑनियन का कि किस तरह का एसिड कैरेक्टर रखता है या बेस, तो कौन सा कैरेक्टर रखता है, एसिड, और फैट्स अवे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के। देन नाइन्थ है हमारा, राइट द पीएच ऑफ, पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, ये मैं हज़ारों बार बता चुकी हूँ अभी, हज़ारों बार तो नहीं लेकिन कहते हैं ना ऐसे, मतलब 3-4 बार तो बोल ही चुकी हूँ कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है हमारा वो लेस देन 7 होता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल वाटर का पीएच होता है, और अगर 7 से ग्रेटर देन है तो वो बेसिक मीडियम में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेन पीएच आपको इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ये याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में भी ये आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड इसी तरह के अगर आपको पसंद है, वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे ऐप पे हमने सारे चैप्टर की करा रखी है, आप उसे डाउनलोड करें, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है एडिस्ट्रेट ऐप की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।